जानिए गुरु गोरखनाथ और उनके मंत्रों की महिमा। हिंदू समाज में कई संप्रदाय हैं, जिनमें से नाथ संप्रदाय को सबसे प्राचीन माना जाता है। इस संप्रदाय के शुरुआती गुरुओं में गुरु गोरखनाथ जी शामिल थे। गुरु गोरखनाथ को भारत में नाथ हिंदू मठ आंदोलन के साथ सम्मोहन और शाबर मंत्रों के लिए याद किया जाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं गुरु गोरखनाथ के प्रेरणादायी जीवन और उनके साबर मंत्रों की शक्ति के बारे में। गुरु गोरखनाथ जी 11वीं सदी में जन्मे गुरु गोरखनाथ जी के जीवन को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कई इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं तो कुछ के लिए वे सामान्य मनुष्य की भांति ही हैं। एक कथा के अनुसार इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को ये बालक अवस्था में मिले थे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जी ने मिलकर बरसों से चले आ रहे नाथ संप्रदाय को संगठित और सुव्यवस्थित किया। इस संप्रदाय के साधकों को योगी, अवधूत, सिद्ध और औघड़ कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ की गिनती भारत के कुछ सिद्ध योगी महापुरुषों में होती है। इन्हें हठ योग का आचार्य कहा जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि भगवान शिव ने ही कलयुग में लोगों को योग सिखाने के लिए गोरखनाथ जी के रूप में जन्म लिया है। इन्हें 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने योग और अध्यात्म पर करीब 40 किताबें लिखी। इनकी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण को अधिक महत्व दिया गया है। गृहस्थ सन्यासियों और नाथ पंथ में गृहस्थ रहते हुए योग करने की व्यवस्था करने वाले गुरु गोरखनाथ जी ने कई मंत्रों का निर्माण भी किया। इन मंत्रों में सबसे शक्तिशाली और प्रचलित है गुरु गोरखनाथ शाबर मंत्र। गुरु गोरखनाथ जी का शाबर मंत्र किसी भी तरह के वशीकरण या कार्य सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रमुख शाबर मंत्र इस प्रकार है, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। इसके अतिरिक्त भी कई शाबर मंत्र माने गए हैं, जिनमें से दो निम्न हैं, ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंध्या दस्ते द्वारा, तहाम वज्र का लग्या किवाड़ा, वज्र में चौखट, वज्र में कील, जहाँ से आए तहाँ ही जावे, जाने भेजा जाकू खाए, हमको फेर ना सूरत दिखाए, हाथ कूम, नाक कूम, सिर कूम, पीठ कूम, कमर कूम, छाती कूम, जो जोखो पहुँचाए, तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फुरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्ध करनी जो पाती पुरे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन मेरी भक्ति गुरु की, शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की, दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ध्यान दें, ये दोनों और अन्य शाबर मंत्र बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। इन्हें गुरु या किसी ज्ञानी पुरुष के मार्गदर्शन में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।